किसी एक बंदे ने जिम में रील बनी थी तो उसको पसंद नहीं आया, वो उठा लिया, फेस पे सुसु किया, मारा, एबडक्ट कर लिया। और शर्म की बात यह है कि कुछ बड़े क्रिएटर उसके साथ कोलैब कर रहे हैं कंटेंट के लिए। इनको बॉयकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया से हटाना चाहिए, हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आई है। कंट्रोवर्सी, धमकी, एक्सपोज, फेक इन्फ्लुएंसर, तो क्या सच में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं? क्या फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सी, किसी को मारना, धमकी देना, ये इन्फ्लुएंसर का काम है? क्यों रजत दलाल ने इस 18 साल के बच्चे को उठाया और इसको टॉर्चर किया? और क्यों बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बाइकआउट कर रहे हैं रजत दलाल को? रजत दलाल जो कि काफ़ी लाइमलाइट में रहते हैं और वो हमेशा सोशल मीडिया पे किसी को मारने या किसी को धमकी देने या किसी से कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, तो ऐसे में ही एक नया केस 6 जून को रजत दलाल ने एक बच्चे को जो कि 18 साल का है उसे घर से उठा लिया और उसका नाम था और वो BBA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो एक प्राइवेट कॉलेज से स्टडी करता था और उसको रजत दलाल ने घर से उठाया और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है। और ये सारी चीज़ें हुई जस्ट बिकॉज एक इंस्टाग्राम की पोस्ट की वजह से, लाइक एक रील की वजह से। तो बात कुछ ऐसी है कि जो कि अहमदाबाद का रहने वाला था वो एक जिम में जाता था, रेगुलर जिम जाता था और वहीं पे रजत दलाल भी जिम जाया करता था। तभी लुधा ने जो कि 18 साल का बच्चा था उसने एक रील अपलोड कर दी और उस रील के कैप्शन में कुछ ये लिख दिया कि रोज अपना मुंह जिम में दिखाकर मेरा दिन खराब करता हुआ माइटी राजू, और ब्रैकेट में लिख दिया रजत दलाल। और इस कैप्शन से रजत दलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसके बाद क्या था, रजत दलाल ने उसकी रील्स को अपने स्टोरी पे अपलोड किया और वहाँ पे लिख दिया एक्शन नेक्स्ट स्टोरी फॉर रिएक्शंस। और फिर रजत दलाल कुछ अपने दोस्तों के साथ लेकर उस बच्चे को उठा लेते हैं उसके घर से और फिर उस बच्चे को अपने गाड़ी में बैठा के बार बार पापा बुलवाना। और उस बच्चे को फ्लैट पे ले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं वहाँ पे भी, और वहाँ पे जाके उसको बाथरूम क्लीन करवाते हैं और उसके ऊपर यूरिन करते हैं, लाइक टॉयलेट भी कर देते हैं उसके ऊपर, और कभी सिटअप करवाना और कभी मुर्गा बनवाना, और सब सारी चीज़ें ये एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद जब वो बेहोश हो गया, जब रजत दलाल को लगा ये सब ज़्यादा चीज़ें खराब ना हो जाए, बहुत एक्सट्रीम ना हो जाए, देन उसके बाद उस बच्चे को लेके जाते हैं उसे ड्रॉप करने और वहाँ पे उसकी मम्मी को फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं एंड देन वहां पे उनको धमकी भी देते हैं। और उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर आप पुलिस में जाते हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस हमारी जेब में है। और ये सब सारी चीजें मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये सारे केसेस, ये सारे जो भी चीजें हैं ये न्यूज आर्टिकल्स में सब जगह मिल जाएंगे और यहां तक कि वीडियोज में भी है, न्यूज में भी बहुत चल रहा है, आप लोग सब लोग देख सकते हो, मैं वीडियोज भी लगा दूंगा। जहां तक इसका पूरा फोन नहीं छानूंगा ना वहां तक इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले मेरा बेटा पीछे से रो रहा था, बोले जहाँ तक इसका पूरा फोन चेक नहीं करूँगा ना, आप प्रशासन, पुलिस प्रशासन में जाओ, मीडिया में जाओ, कहीं भी जाओ, मैं इसको अभी नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा फोन चेक करूँगा, बाद में इसको घर पे लेके आऊँगा। ये पापा रजत दलाल लिखा है उसकी आईडी पे, पापा रजत क्या हो? मेरा आदमी इस तरह से बोलता है, शर्म नहीं आती उसको? मेरा वीडियो उतारा उसने, मेरे हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, 10 उठक बैठक पब्लिक बीच में करा, इसका क्या राइट है? तो रजत दलाल ने अपने करियर की शुरुआत पावर लिफ्टिंग और एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के रूप में की थी और रजत ने पावर लिफ्टिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की हुई है और कितनी बार अलग अलग वर्गों में नेशनल डेडलिफ्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग WPC द्वारा विश्व कप भी जीता हुआ है और भी बहुत से डेडलिफ्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और रजत दलाल फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करता है और रजत दलाल फेमस होता है सोशल मीडिया पर या लाइमलाइट पर आता है एक इन्फ्लुएंसर सौरव सिंह जो कि सिंघा नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस इन्फ्लुएंसर वो भी है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स वो भी है, वो भी जिम करता है, उससे और रजत दलाल का काफ़ी कंट्रोवर्सी होता है। जैसे कि ये कंट्रोवर्सी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी राजीव फिटनेस
का जो कि रजत दलाल के साथ हुआ था, और जैसे कि एल्विस यादव और मैक्सटन के साथ उनकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी उनके बीच में रजत दलाल गए थे चीज़ों को ठीक करने या फिक्स करने, या यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि दिखने के लिए। और अभी रिसेंटली में ही कैरी मिराठी ने रोस्ट किया था, जो कि बहुत ही छोटा रोस्ट उन्होंने किया था, उस चीज़ों पर भी रजत दलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। एंड देन उन्होंने फिर वही सोशल मीडिया पर जाके स्टोरी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, और ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो ही रही थी तभी ये केस के बारे में पता चला। बट सच में ये मजाक नहीं है, कल को अगर उस लड़के के साथ कुछ हो जाता, अगर वो टॉर्चर कर रहे थे या फिर मार रहे थे या फिर जो भी कर रहे थे, अगर उस बंदे को कुछ हो जाता, उस बच्चे को कुछ हो जाता, तो कौन जिम्मेदार होता? या फिर अगर इन केस कभी वो बच्चा है 18 साल का है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको अगर प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी फ्यूचर में जाके, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सारी चीज़ें सही नहीं है। हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारा हक है और हमारा अधिकार है बोलने का सही चीज़ों पर। और यहाँ पे CM और PM तक को भी नहीं छोड़ा जाता, बड़े बड़े एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स को भी छोड़ा नहीं जाता, और रजत दलाल के पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, लिटरली उनको ये सारी चीज़ों के करने से पहले ना 10 बार ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि मैं क्या स्टेप ले रहा हूँ, मेरे से कितने लोग इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है। लिटरली अगर वो कुछ भी स्टेप लेते हैं लोग लिटरली पागलों की तरह सपोर्ट भी करते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। बट उनको ये सारी चीज़ों करने से पहले एक बार ही सोचना जरूर चाहिए। और इस केस को देखने के बाद कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी इसमें आए और अपनी चीज़ों को बताया और बोला है, जैसे फ्लाइंग बीस्ट, पोपोए और भी कई ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्वीट करके उन्होंने बताया। और कई लोग इसे हैशटैग भी चला रहे हैं, बायकॉट हैशटैग रजत दलाल, और कई बार रजत दलाल लोगों की हेल्प भी करते हैं, जैसे नीडी वंस को हेल्प भी करते हैं, किसी की ज़रूरत है वहाँ पे वो जाते हैं हेल्प भी करते हैं, या किसी को खाना फ्री में खाना देना वहाँ पे भी वो हेल्प करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को इस तरीके से टॉर्चर करोगे। बाकी इस बच्चे के केस पे रजत दलाल को अरेस्ट कर लिया था अहमदाबाद पुलिस ने, बट एक दिन के अंदर ही रजत दलाल जेल से बाहर आ गए। क्या सच में रजत दलाल की जेब में है पुलिस? तो गाइज आज की वीडियो यही थी, बाकी इस पे आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताना, और जाते जाते वीडियोस को जरूर से लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।